हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग न्यू बॉर्न्स के कुछ ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि नॉर्मली सारे ही बच्चों को फेस करने को मिलती है, हो सकता है कुछ को नहीं भी करने को मिले, लेकिन चूंकि रेगुलर बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स होती है तो पेरेंट कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर वो डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने लगते हैं। उसके लिए डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी देते हैं, रेमिडीज भी बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो समय के साथ ही धीरे धीरे ठीक होती है, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है उन सब चीज़ों में। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ें आपको उसके साथ में इग्नोर करनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से उसको रिकवर कर सके। तो उस चीज़ की रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय के साथ चीज़ें सुधर जाती हैं। तो इसी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो है कि बच्चा दूध बहुत ज़्यादा निकालता है, मतलब दूध उल्टी बहुत करता है वो। इसमें दो केस होता है, देखिए एक तो ये होता है कि बच्चा बिल्कुल जैसा दूध पिया और तुरंत वैसा ही निकाल दे रहा है, तब तो डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि दूध फटाफटा सा पनीर के जैसा या दही के जैसा अगर निकाल रहे हैं तो ये बिल्कुल ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा ये चीज़ें सुधरती जाएंगी। बस आपको ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आप दूध पिलाने के बाद कभी भी बच्चों को तुरंत मत लेटाइए, उसको डकार दिलाने के बाद ही लेटाइए। और डकार दिलाने के लिए आपको क्या करना है कि उसको 10 से 15 मिनट तक अपने कंधे पर लगा करके रखना है, चाहे बच्चा डकार ले या ना ले फिर भी आपको उसको रख करके अपने कंधे पे और उसको इस तरीके से थपकी देते रहना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस प्रॉब्लम से, मतलब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिट करता है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। दूसरी जो बहुत नेचुरल सी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि न्यू बॉर्न्स के साथ में बच्चों की पॉटी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे केसेस में होता है कि बच्चे ग्रीन कलर की पॉटी करने लगते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ग्रीन पॉटी क्यों कर रहा है बच्चा। इसके देखिए दो से तीन ही रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि जो मदर का फीड है उसकी वजह से, मतलब इसलिए स्टार्टिंग के डेज़ में आयरन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। कभी 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 आपको डॉक्टर कैप्सूल तक आयरन के प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप वो लेते हैं। आप लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स लेती हैं, तो ये हो सकता है कि आयरन के सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने की वजह से आपका फीड ले रहा है बच्चा, तो उसके रीज़न की वजह से बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे को सर्दी जुखाम या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से बच्चा पॉटी कर रहा है। और तीसरा रीज़न होता है कि जब बच्चा फॉर्मूला मिल्क लेना शुरू करता है या फिर काऊ मिल्क लेना शुरू करता है, तो इस केस में भी बच्चे को कहीं ना कहीं ग्रीन पॉटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो डेफ़िनेटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही, लेकिन डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, तो आप बच्चों को मेडिसिन प्रॉपर देते रहिए। लेकिन मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें मेडिसिन से जाती हैं नहीं, ये धीरे धीरे समय के साथ अपने आप ही ख़त्म होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहला तो कि मदर अपने खाने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा वो ग्रीन पॉटी कर रहा है तो फिर मदर थोड़ा सा आयरन सप्लीमेंट, वैसे कम तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ दिन के लिए उसको कम करके देख सकते हैं कि क्या यही रीज़न है। दूसरा कि बच्चे को सर्दी जुखाम इन्फेक्शन, मतलब नज़ला, ये सारी चीज़ें चेक करिए, क्योंकि जुखाम होने के केस में या कोई इन्फेक्शन, जब थ्रोट इन्फेक्शन होता है बच्चों को, तो भी बच्चों के तुरंत उनके पॉटी से ही समझ में आता है कि हाँ ग्रीन पॉटी, मतलब ठंड लग गई है कहीं ना कहीं बच्चों को, तो उस केस में भी बच्चे ग्रीन पॉटी करते हैं, तो वो चीज़ आप सेकंड चेक करिए। और थर्ड ये होता है कि फॉर्मूला मिल्क या फिर काउ मिल्क आप जब देना शुरू करते हैं बच्चों को, तो उस केस में होता है तो उसमें आप या तो फार्मूला मिल्क चेंज करके देखिए या फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके देखिए कि वो और क्या आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन देना बंद मत करिएगा, क्योंकि ठीक है उससे ठीक नहीं होती हैं चीज़ें, मतलब बंद नहीं होती ग्रीन पॉटी, बट कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है उसको सपोर्ट ज़रूर करती हैं मेडिसिन। लेकिन इस पर पैनिक मत होइए बहुत ज़्यादा कि बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है या बहुत बदबूदार कर रहा है, वो समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं। नेक्स्ट है कि बच्चा सोते सोते एकदम अचानक से डर जाता है या बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तो इसका क्या रीज़न होता है? देखिए अभी तक बच्चा पेट के अंदर था और उसका जो एनवायरनमेंट था वो टोटली डिफरेंट था, और अब जब वो बाहर आया है तो उसको लाइट और एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब उसको अंदर का एनवायरनमेंट अलग दिखता था, बाहर निकला तो उसको एनवायरनमेंट अलग दिखा, तो उसको जो अडॉप्टेशन का जितना टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में बच्चे अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें दिखते हैं। जैसे एकदम अचानक से कोई आवाज़ होती है तो बच्चे डर जाते हैं, या सोते हुए हो सकता है शायद वो कोई ड्रीम देख रहा हो जिसकी वजह से वो डर जाता हो, या फिर इस तरह की कोई मतलब हलचल या आहट होती होगी तो फिर बच्चे समझ करके और फिर उससे डर जाते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि ये सारे ही बच्चों के साथ होता है और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी बच्चा सोए तो उसके आसपास हमेशा पिलो, बड़ी बड़ी सी पिलो लगा दीजिए, जिसकी वजह से बच्चे को ये लगे कि हाँ उसके बगल में कोई लेटा हुआ है, तब उसको थोड़ा डर नहीं लगेगा।
और जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है, इवन 4 महीने तक, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि बच्चा सो रहा हो तो उसको अकेला बिल्कुल मत छोड़िए, ताकि जब भी वो डरे तो उसके ऊपर हाथ रख दीजिए और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अगर आपको इमरजेंसी में जाना ही पड़ता है कि जैसे आप किचन में कुछ काम करने जा रही हैं, या मतलब इस तरीके से आपको बच्चे को छोड़कर जाना ही है अगर वो सो रहा है, तो बहुत हल्की जो पिलो होती है या कोई सॉफ्ट टॉय उसके पेट के ऊपर रख दीजिए, ताकि उसको फील होता रहे कि हाँ बगल में कोई है जिसका थोड़ा भार मेरे शरीर पर रखा हुआ है, जिसके वजह से थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करेगा और वो डरेगा नहीं। और कोशिश करिए कि जो एकदम से आहट होती है या फिर आवाज़ होती है, उन सारी चीज़ों को कुछ दिन तक आप इग्नोर करिए, जब तक कि बच्चा हैबिचुअल नहीं हो जाता उन सारी चीज़ों का। एक बार बच्चा जब उन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा तो फिर उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बच्चा क्यों इतना ज़्यादा डर रहा है या क्यों इतना परेशान हो रहा है, तो इसका कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है, बच्चा अडॉप्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ खुद को और फिर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चा अंगड़ाई बहुत ज़्यादा लेता है, सारे बच्चे नहीं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेते हैं, तो इसके लिए ऐसा कोई इशू नहीं कहा जा सकता। एक तो बच्चे दिन भर लेटे रहते हैं, तो लेटने की वजह से ऑब्वियसली शरीर में हल्का सा दर्द हो जाता है, या बच्चे खुद को फ्रेश करने के लिए अंगड़ाई लेते हैं, कि जैसे उनका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली बात है, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा हाथ पैर चलाए या फिर अंगड़ाई लिए, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जिसके वजह से जो डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे वो भी अच्छे से हो सकेंगे। तो ये भी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अंगड़ाई भी लेता है तो भी आप परेशान मत होइए। लास्ट पॉइंट ये है कि बच्चा झागदार पॉटी कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बदबूदार पॉटी कर रहा है, तो उसको भी लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसके लिए भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं करता। ये सारी प्रॉब्लम तभी तक होती हैं ज़्यादा जब तक कि बच्चा ब्रेस्ट फीड पे होता है, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, मदर से ही ट्रांसफ़र होती हैं। अब अगर मदर का जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रही है, ऑयली फूड ले रही है, या इस पर खट्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अगर वो खा रही हैं, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बच्चों के बॉडी के ऊपर भी, उनके फूड के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी पॉटी जो होती है वो झागदार हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या होता है कि बच्चे को जब भी ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, आप उसको फीड कराती हैं, तो आप अच्छे से एक ब्रेस्ट पूरा फीड कराने के बाद ही उनको दूसरे पे ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो बिल्कुल वाटरी होता है, और बच्चा अगर सिर्फ वाटरी मिल्क को अगर पीता है तो उसके बाद उसकी पॉटी हमेशा झागदार ही आती है। तो मेक श्योर कि जब वाटरी मिल्क ख़त्म हो करके और जो थिक मिल्क आता है जिसमें कि कैलरीज़ का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, जब तक वो मिल्क बच्चा नहीं लेगा तब तक ना तो उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप करेगी, मतलब जो प्रॉब्लम होती है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, वो सब का रीज़न भी यही होता है। तो मेक श्योर करिए कि आपका जब एक ब्रेस्ट का मिल्क बच्चा अच्छे से पी ले, उसके बाद ही आप उसको दूसरे ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र करिए, अदरवाइज़ वो सिर्फ वाटरी मिल्क ले लेगा, और जो एग्जैक्ट अच्छा मिल्क है जिसमें कि कैलरीज अच्छी हैं, फैट कंटेंट अच्छा है, न्यूट्रिटिव बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वाटरी मिल्क में न्यूट्रिशन कम होता है, बट डेफिनेटली जो गुड फैट का अमाउंट होता है वो उसको बाद में ही मिलना शुरू होता है, और अगर वो बच्चा पिएगा तो उसकी पॉटी झागदार नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से फीड कराएं, तो उसके बाद ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है। तो ये जो भी मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सारी ऐसी हैं जो समय के साथ धीरे धीरे ठीक होती हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैं तो आप डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए या रेगुलर विजिट्स के लिए जाते ही रहते हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट भी कर सकते हैं और उनका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके न्यू बॉर्न की केयर के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा सारे ऐसे पेरेंट्स के साथ में जिनको इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।